राजेश महतो जी हैं, वो बताए कि एक लड़का है, वो विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पे पैसा लेता है और फरेब कर रहा है। हम लोगों ने उसे पकड़ने का प्लान किया। करीब 20-25 महिलाओं के साथ वो आज भी वो फरेब करने का प्रयास कर रहा था। उज्ज्वला योजना के नाम पे, लाडली योजना के नाम पे, गैस कनेक्शन कोटा दिलवाने के नाम से, डीसी ऑफिस में नौकरी दिलवाने के नाम पे उस प्रयास को करते हुए उसे लोगों ने पकड़ा। वहां से हम लोगों ने पकड़ के फिर जब उसके सारे फाइल डायरी को खंगाला तो काफी उसमें सरकारी योजना के नाम पे जाली हस्ताक्षर, जाली स्टाम्प, जाली पेपर मिले। वो बकायदा यहाँ पे रूम लेके होटल राजदूत है उसमें रहता है, रूम नंबर 307 में, और लोगों से फरेब करता है। आज हम लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया है, आगे कानून अपनी काम करे। कितने लोगों से पैसे ले चुका है ये? करीबन अभी तक जानकारी हम लोगों को जहाँ तक लग रहा है करीबन 100 लोग से ले चुका है। कितना रकम लिया होगा अभी तक? ये 1,00,000 से ऊपर है, और ये तो जानकारी में, जो लोग को जानकारी हम लोग अभी नहीं हो पाया है उस हिसाब से ये बहुत हनुमान नगर, सलागीडी, अलग अलग मोहल्लों, विभिन्न वार्डों में हर जगह घूम घूम कर ये अपना नेटवर्क चलाता है। इसमें सरकारी कुछ विभाग के भी लोग, गैस एजेंसी के कुछ स्टाफ, इस तरह के लोग इसमें शामिल हैं।